हे दोस्तों नमस्कार, मैं अभिनय श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। दोस्तों, एक भाई साहब ने कमेंट कर एक सवाल पूछा कि क्या ई रिक्शा के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या ई रिक्शा के लिए परमिट की आवश्यकता है, अगर है तो किस प्रकार के परमिट की आवश्यकता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे ज़रूर से देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे के जुलाई 2016 के नोटिफिकेशन के अनुसार ई रिक्शा के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि नगर निगम या नगर परिषद के द्वारा आपसे एक शुल्क उस वित्तीय वर्ष में लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जुलाई 2022 में आपने ई रिक्शा लिया तो आपको अगले 31 मार्च 2023 तक के लिए एक शुल्क देना पड़ता है नगर परिषद को। हालांकि ये शुल्क काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी आपको ये शुल्क देना पड़ता है। उसके अलावा जो भी स्टैंड होते हैं उसमें भी डेली बेसिस पे कुछ शुल्क लिए जाते हैं आपसे। इसके अलावा किसी अन्य परमिट की या किसी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी रोड टैक्सेस वगैरह होते हैं वो रजिस्ट्रेशन के समय आपसे ले लिए जाते हैं, तो आपको किसी भी फर्दर अन्य परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, आपको एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि ई रिक्शा चलाने के लिए आपको एक वैलिड लाइसेंस की आवश्यकता है। आप चाहें तो ई रिक्शा के लिए स्पेशल जो एक ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है वो आप बनवा सकते हैं, या LMB अगर आपके पास है तो आप LMB लाइसेंस पे भी ई रिक्शा चला सकते हैं। हालांकि मैंने ई रिक्शा लाइसेंस के लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो कृपया आप उसे देख सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी मैंने दे रखी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा कि ई रिक्शा के लिए किसी प्रकार की परमिट की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इसे लाइक करें, और कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट कर बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा, और ज़रूरत होगी तो मैं उसे वीडियो भी बनाऊंगा। साथ ही साथ अगर किसी अन्य टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बताएं, मैं उसे वीडियो बनाऊंगा। कोई मन में सवाल भी हो किसी अन्य टॉपिक पे भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका भी जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत नमस्कार।